हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। करुणा वीडियो में रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के अंदर में छिपा के रखा। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा सभी को जीवन मिला, उद्धार मिला, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलना है। वो महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हम सभी से बहुत प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में। मेरे प्रियजनों, जब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, ठीक है? इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा विश्वास के साथ लास्ट तक सुना, आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है? मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसका प्रेम बहुत बड़ा है। वैसा प्रेम कोई मनुष्य नहीं दे सकता है और ना कर सकता है। यीशु मसीह ने अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाए हैं, उसने खाए, मार खाई, बेइज्जती सही है हमारे कारण। मेरे प्रियजन, उसके मुंह पर थूका गया, उसको 49 कोड़े लगवाए गए, 49 कोड़ों के साथ उसका मांस तक खींचकर चला आता था। मेरे प्रियजनों, इतना प्रेम परमेश्वर ने हम सभी से किया, उसकी पसली में भाला मारा गया। मेरे प्रियजनों, सिर्फ हमारे सभी के पाप के कारण जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया हमारा प्रभु, और कलवरी क्रूस पर चढ़ गया हमारा पिता, बलिदान हो गया। मेरे प्रियजनों, और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियजनों, वह जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, जब दुख में है, तकलीफ में, जब रो रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, अपनी शादी लेकर थे, निराश है, उदास है, बेचैन है, डरे हुए, घबराहट में है, तो आज जब कोई यीशु मसीह से बोलना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, जो आपके जीवन में हर करा रखे बंधे, दुष्ट आत्माओं के बंधन, शैतानी बंधन है, आपको भरमा के रखी है, जकड़ के रखी है। मेरे प्रियजनों, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है और बोलना है, प्रभु मेरे जीवन से ये दुख के बंधन टूट जाए, हर एक शराब के बंधन टूट जाए, हर एक जादूटना के बंधन टूट जाए, हर रिकॉर्ड के बंधन टूट जाए। मेरे प्रियजनों, अपने मुंह से अंगीकार करना है, परमेश्वर से बोलना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा विश्वास कर सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है? चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप महान है मेरे पिता, आप दयालु है मेरे पिता, आप करुणानिधि परमेश्वर है पिता, आप राजाओं के राजा है, आप करुणानिधि परमेश्वर पिता। यीशु पापा, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को मेरे पिता जीवतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए पिता का हम धन्यवाद देंगे। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, कि मनुष्य के पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गएंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे पिता, बहुत दूर चले जाते हैं, जो कभी नहीं मिल पाते मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया, उद्धार किया, छुटकारा किया पिता। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते पिता, जो अपने नाम लेके बुलाए मेरे पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ पिता, खास दौर से मेरे पिता, जो मसीह में पिता बीमार है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं पिता, जो आखिरी सांस ले रहे, जूझ रहे पिता, रो रहे, बिलक रहे, चिल्ला रहे पिता, इन्हें कैंसर, गलटिया, रसलिया, पथरिया, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है, मसीह आपके नाम से मेरे पिता ये मसीह बहन आजाद हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 पवित्र राजाओं के राजा मेरे पिता, आपका वचन कहता है, जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे पिता, आपके नाम से मांगते पिता,
आपके नाम से पुकारते मेरे पिता ये मसीह बाबा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, बोलकर आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप से नाम जो मेरे पिता, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुनाह हुए मेरे स्वामी आप माफ करें पिता, आप क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि मेरे प्रभु आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के गुनाहों को पापों को अधर्मों को क्षमा कर सकते मेरे पिता, सिर्फ आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं, गुनाहों को ढाप सकते हैं पिता। हे परमेश्वर पिता अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को गुनाहों को मिटा दे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह पिता। आपकी तारीफ करते आपकी बड़ाई करते मेरे पिता, मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता जो गरीब हैं पिता, जो लाचार हैं पिता परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जो गरीबी में जूझ रहे पिता मेरे परमेश्वर पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता ये उधर उधर न जाते उसे उधार लेने उधार मांगने भीख मांगने पिता ये उधर उधर उधार ना लेने पाए मेरे पिता, क्योंकि प्रभु ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता टूट सकता है बिखर सकता है पिता, मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे परमेश्वर पिता। आपके नाम से मांगते पिता, आपके नाम से पुकारते हैं खटखटाते हैं इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता इनकी गरीबी को तंगी को परेशानी को पिता आप दूर कर दीजिए पिता, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने बन जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, मांगने नहीं मेरे स्वामी इनके हाथ देने नहीं होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, यीशु मसीह पूरे विश्वास के साथ पिता मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता इन मसीह भाई बहनों की तंगी को परेशानी को गरीबी को यीशु मसीह आप दूर करें पिता, आप दूर करें मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर जिन मसीह बहनों के घरों में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं हर एक रुकावट के बंधन, हर एक जादू टोना के बंधन, गंदी आत्माओं के बद्दुए चालों के बंधन यीशु मसीह के नाम से वे टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से वे कट जाए, यीशु मसीह के नाम से विफल हो जाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते पिता जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते, जो डर लगता है भय लगता है प्रभु, जब लेटे मेरे स्वामी तब मुझे सुख की नींद दीजिए पिता, कोई गंदा कोई डरावना सपना ना आने पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे भय से न डरना मेरे पिता। मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्राणों को सुना है, ये छोटी स्मृति उद्धार करता है यीशु मसीह का सामर्थ्य मीठे पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा आमीन।